हाय गाइस, निशान चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं माइक्रोसॉफ्ट से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप स्टाइपेंड के बारे में। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी या किसी और फील्ड से, एंड तुम किसी कंप्यूटर साइंस बेस्ड लाइक कंपनी में इंटर्न कर रहे होते हो, तो तुम्हें कितना स्टाइपेंड मिल रहा होता है। एंड यार, इस स्टाइपेंड की रेंज इज फ्रॉम 25,000 टू अप टू 2 लाख 2.5 लाख तक जाता है पर मंथ। ठीक है, माइंड इट, पर मंथ है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें 6 महीने काम कर रहे हो उसके बाद इतना अमाउंट मिल रहा है। ये जितने भी नंबर्स हैं पर मंथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कुछ कंपनीज तो बहुत बहुत दे रही होती हैं, जैसे 2-2.5 लाख रुपए तुम्हें 1 महीने के मिल रहे हैं, तो इतनी तो लोगों की सैलरी होती है मतलब काफ़ी कंपनीज में। सो दैट इज़ व्हाट यू विल बी अर्निंग इफ़ यू आर इन अ गुड कॉलेज और इफ़ यू आर एबल टू गेट अ गुड इंटर्नशिप ऑफ कैंपस। सो इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ठीक है, एक चीज़ कि भाई ये वीडियो बस ये बताने के लिए नहीं है कि यार बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। ये तुम्हें एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए कि ताकि तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो इंटर्नशिप्स के लिए। एंड इंटर्नशिप्स इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट अ PPO। PPO मिलने का तुम्हें डायरेक्ट ऑफर मिल जाता है। थर्ड ईयर में तुमने मतलब सेकेंड ईयर एंड में तुमने बस एक बार अच्छे से मेहनत करी, एंड उसके बाद तुम्हारे नेक्स्ट 2 साल बिल्कुल फ्री जाते हैं। समझ रहे हो, कोई ऐसे मौज ही मौज हो रखी होती है तुम्हारी। तो इंटर्नशिप से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं तो यही बोलूँगा। तुम्हारी प्लेसमेंट से ज़्यादा इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो। मेरे दोस्तों को जिनको PPO मिला था, तो देवर लाइक बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड अपने इंटर्नशिप के बाद PPO मिलने का, बिल्कुल ऐसे चिल कर रहे थे। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत उन्हें पड़ी नहीं थी कि अच्छी कंपनी में इंटर्न लगने के बाद। तो इसको तुम एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हो। एंड जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, जिनका भी थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई के आसपास, वो इंटर्नशिप्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज भाई गोल्डन टिकट है ये तुम्हारी अच्छी कंपनीज में जाने के लिए। तो अब यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बट एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो। एंड जो कंपनी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, कंपनी का नाम उसके आगे OP लिख के तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, काफ़ी मज़ा आ जाता है। एंड ऐसे यार तुम हेल्प करते रहो। 85,000 हो चुके हैं अपने, जल्दी से जल्दी हम भाई 1 लाख टच करने वाले हैं। एंड हमारा 90 डेज चैलेंज भी कंप्लीट होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता 90 डेज चैलेंज के बारे में, यहाँ पे तुम्हें थंबनेल आ रहा होगा, तुम उस वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड तुम अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस अब वीडियो स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है यार, उल्टा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा वाली को एंड में बताते हैं। सब तो सबसे कम, मतलब सबसे कम नहीं बट अच्छा डिसेंट स्टाइपेंड होता है जो दे रही होते हैं, उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं। नहीं, कंपनी में ब्रैकेट्स डाल रखे हैं, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बतानी, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है हर कंपनी का बताने में। इसलिए मैंने ब्रैकेट्स बना दिए, 25 to 50, फिर 50 to 75, 75 to 1, 1 to 1.5, 1.5 to 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो ये सारे ब्रैकेट्स हैं, इनमें हम बात कर रहे होंगे। यार सबसे पहले जो आ जाती है वो तुम्हारी आ जाती है 25K to 50K वाली कंपनीज। अब इसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे तुम्हारी अर्बन कंपनी हो गई, जोमैटो हो गई, पब्लिस सेपेंट हो गई, लिंकडिन हो गई, डेल हो गई, ओयो, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स, SAP लैब्स, एंसिस, क्लम्बर्जर, क्वालकॉम, इसके बाद तुम्हारी और एक्ल, नॉर्थवेस्ट ग्रुप। तो सारी काफ़ी अलग अलग तरीके की हैं, जैसे जोमैटो का तुमने नाम सुना होगा, इंडस वैली पार्टनर्स भी एक कंपनी है, इसके अलावा नॉर्थवेस्ट ग्रुप है, अब टी सिस्टम्स है, तो उसमें से कुछ हार्डवेयर वाले, कुछ सॉफ्टवेयर वाले, जैसे टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंसिस एंड क्वालकॉम, यार हार्डवेयर रोल के लिए भी लाइक इंटर्न्स हायर कर रही होती है सॉफ्टवेयर के साथ साथ। ठीक है, कुछ इसमें सर्विस बेस्ड भी, जैसे पब्लिसिस सेपिएंट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, अर्बन कंपनी एंड जोमैटो का तुमने नाम सुना होगा, काफ़ी अमेजिंग स्टार्टअप्स हैं। लिंक्डइन भाई OP कंपनी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पैकेज वैकेज होता है लिंक्डइन का। एंड ओरेकल, क्लम्बर्जर भी काफ़ी अमेजिंग कंपनीज हैं। तो दीज आर द कंपनीज विच पे यू अराउंड 25 to 50 के स्टाइपेंड अगर, और 2 महीने के इंटर्न होते हैं। कई कई कंपनीज में 6 मंथ्स भी इंटर्नशिप होती है। तो 6 मंथ इंटर्नशिप लेने के लिए यार अलग अलग तरीके होते हैं, ऑफ कैंपस अप्लाई करना इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू, कई बार कैंपसेज में भी आती हैं। बाकी तुम डायरेक्टली अगर तुम्हारी 2 मंथ की इंटर्न हो चुकी है, उसके बाद तुम अपनी उसी टीम में मेल कर सकते हो HR वगैरह, क्योंकि यार आई वॉन्ट टू वर्क फॉर 6 more months, मेरी कॉलेज मेरे को अलाउ कर रहा है। अभी जैसे ये अपने कोविड वाले सीन में मेरे काफ़ी दोस्तों ने 6 मंथ्स इंटर्नशिप करी थी, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं होता था एंड कॉलेज वालों का अटेंडेंस का सीन नहीं था, तो वो घर से कर रहे थे, अपने क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे और इंटर्नशिप भी कर रहे थे। मस्त भाई, मौत चल रही थी उनकी। तो दीज आर द कंपनीज 25K to 50K स्टाइपेंड वाली। ठीक है, तुम्हारे 50 to 75K वाली कंपनीज में बढ़ने से पहले तुम्हें काफ़ी अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है यार तुम्हारा कोड स्टूडियो। अब कोड स्टूडियो पे यार क्या है कि 1200+ क्वेश्चंस है, एंड उन सब के जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं यार, वो तुम्हें तीनों लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं, तुम्हारे C++, जावा एंड पाइथन। इसके अलावा यार तुम जाओगे यहाँ पे, तुम्हें गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाते हैं। इन गाइडेड पाथ्स में यार तुम्हें इंटरव्यू गाइड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, DBMS, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तुम्हारे कोई भी लैंग्वेज सीखने उसके लिए, तुम्हें अगर नोड JS सीखने उसके लिए, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट,
तुम्हें कोई भी सीखना है उसके लिए गाइडेड पास मिल जाते हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी होती हैं। उसके अलावा अगर तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में काफी अच्छी बात ये लगती है मेरे को कि तुम खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे, तुम यहाँ पे उस प्रॉब्लम को खुद ट्राई कर सकते हो कि तुम क्या अप्रोच लगाते हो, उनको सबमिट वगैरह करके देख सकते हो। और यार यहाँ पे तुम्हें ना टॉप प्रॉब्लम लिस्ट मिल जाती है, चाहे वो लव भैया वाली हो, ड्राइवर भैया वाली हो, मेरी हो, या फिर तुम्हें अगर टॉप 100 एरे क्वेश्चंस करने हैं, लिंक लिस्ट क्वेश्चंस करने हैं, स्टैक्स करने हैं, कुछ भी करना है, डीपी के प्रॉब्लम्स करने हैं, तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है एंड तुम्हें तीनों लैंग्वेज में सॉल्यूशंस तो मिल ही जाते हैं। तो काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है भाई, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सब कुछ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, तो जरूर जाके चेकआउट करना। अब बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 50K to 75K। अब यहाँ पे आते हैं यार तुम्हारी VMware, Samsung, CureFit, American Express, Atlassian, Nvidia, ST। इसमें से यार ST Advisor जो तुम्हारी है वो एक HFT फर्म है, जिनको HFT नहीं पता उसका मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। अब इसमें तुम्हारी टावर रिसर्च कैपिटल आ जाती है, इसमें तुम्हारी और कॉडा वगैरह भी आ जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज। ये इंडियन है, मतलब इंडियन कंपनी है, तो काफी अच्छा पे करते हैं, इनका जो CTC वगैरह 24 लाख के आसपास है और सब कैश, मतलब इसमें कुछ ऐसे और नहीं, सब कुछ तुम्हें कैश मिलता है और परफॉर्मेंस बोनस वगैरह भी काफी ज्यादा मिल जाता है। एनवीडिया तुम लोगों को पता ही होगा जो गेम वेम खेलते हैं। Atlassian भाई बहुत ज्यादा CTC देती है, 50 लाख का CTC होता है Atlassian का, इंटर्नशिप भी स्टाइपेंड अच्छा ही देती है एंड काफ़ी अमेजिंग काम करती है एंड जो भी ग्रोथ हुई है भाई कंपनी की तुम्हारे कोविड के टाइम पे काफ़ी अमेजिंग। अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तुम्हें पता हो CureFit जिसमें तुम्हारे भाई की प्लेसमेंट लगी थी, VMware और Samsung में मेरी इंटर्नशिप लगी थी, तो Samsung भी सही पे कर दिया, 50,000 रुपये स्टाइपेंड होता है, मस्त काम वाम कम ही करना होता है, तो मौज। यार नेक्स्ट टू कंपनीज आ जाती हैं यार 75K to 1 लाख वाली, तुम्हारी सेल्स फोर्स, वेल्स फार्गो, इंटिवेट, वॉलमार्ट, रूबरिक, मोंगो डीबी, माइक्रोसॉफ्ट, कोऑर्डिनेशन, गोल्डमैन सैक्स, अमेज़न, तुम्हारी मॉर्गन स्टैनली एंड माई कार्मा। अब एक चीज़ है, इसमें कुछ कंपनीज मिस हो सकती हैं क्योंकि जितनी मेरे को याद आ रही थी उस टाइम पे उतनी ही मैं डाल पाया या जितना मेरे को डेटा मिल पा रहा था, तो इसमें बहुत सारी और भी हो सकते हैं। अब सेल्स फोर्स यार क्लाउड वाली कंपनी है, तुम इसके बादल से देख के पता चलेगा, वेल्स फार्गो एक बैंक है तुम्हें ना पता हो तो, इंटिवेट भी एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है, वॉलमार्ट पता होगा तुम्हें, रूबरिक बहुत ज़्यादा पे करती है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा MongoDB लोग जो लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट तो तुम्हें पता ही होगा, गोल्डमैन सैक्स, कोऑर्डिनेशन भाई वन ऑफ द, मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसी कंपनी जो बहुत बहुत कम रिक्रूट करती है, तो दीज आर ऑल द कंपनीज। MyKarma मेरा एक दोस्त है और उसका पैकेज बहुत ज़्यादा, MyKarma बहुत पैसे देती है, स्टार्टअप है बट पेज अ लॉट। नेक्स्ट आ जाती है यार हमारी 1 to 1.5 lakhs वाली कंपनीज, यहाँ पे तुम्हारे जाते गूगल, टावर रिसर्च, डी शो, RCGM, MediaNet, तुम्हारी न्यूटानिक्स, डायरेक्टर, ट्विलियो, जीटा, उसके बाद तुम्हारी आ जाती है अडोबी एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है, और JP Morgan, चेज एंड को। तो ज़्यादातर का तुमने शायद नाम सुना होगा, TRC, टावर रिसर्च कैपिटल, गूगल, डी शो, RCGM, ये वो वाली कंपनीज हैं जो पे भी बहुत ज़्यादा करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट तुम्हारी हो गई, इनका जो स्टाइपेंड वगैरह होता है, मतलब जो इनकी CTC है वो 26-27 लाख के आसपास होता है एक साल का। डायरेक्ट आए, जीटा, ये ऐसी कंपनीज जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स को प्रेफर करती है। न्यूटानिक्स एक काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है जो बहुत ज़्यादा पे करता है, ठीक है, सारी कंपनीज काफ़ी अमेजिंग है। अडोबी हो गई तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारा RCGM होगा, RCGM, डी शो, मतलब एक ही है, मतलब RCGM इज अ चाइल्ड कंपनी ऑफ डी शॉप। अब तुमने इस वाली लिस्ट में ना इतनी जो मैंने कंपनीज बताई काफ़ी सारों के तो नाम ही नहीं सुने होंगे, तुमने वही Amazon, Microsoft, Google का नाम सुना हुआ है एंड सब बच्चे उनके पीछे पागल हो रखे होते हैं, बट बहुत सारी कंपनीज है यार, तुम्हें 100-150+ कंपनीज मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो कभी भी एक कंपनी को टारगेट करके मत प्रिपेयर करना, प्रिपेयर फॉर ऑल द कंपनीज एज अ होल, अच्छे से DSA वगैरह प्रैक्टिस करो, कोर सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ो, अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, तो तुम एक ओवरऑल जब अपनी प्रिपरेशन करोगे ना तो तुम कोई ना कोई कंपनी जरूर निकाल लोगे यार, तुम्हें बस एक सीट चाहिए किसी एक कंपनी में, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं यार वो कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पे करती हैं, सारी 1.5 लाख से ऊपर वाली हैं, तो भाई Uber इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पे करती हैं। शायद मैंने कुछ मिस कर दी होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई पता तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो बिल्कुल। और दूसरी इंस्टाबेस इज ऑल्सो लाइक अ स्टार्टअप, ठीक है, इंडिया का नहीं है, बाहर का है, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हायर करने लग गया ये एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा CTC वगैरह भी देता है एंड पैकेज भी बहुत बढ़िया देता है। एंड 2 lakh+ स्टाइपेंड वाली दो कंपनीज जिनका मेरे को पता है, दैट इज तुम्हारा ट्विटर एंड स्प्रिंकलर, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये मेरे को मेरे जूनियर्स ने बताया, तो हो
हो सकता है कुछ कॉलेज में ट्विटर देता हो, कुछ में ना देता हो, अगर नहीं देता हो तुम जाके लिख सकते हो, बट स्प्रिंकलर का 110% श्योर कि स्प्रिंकलर जरूर देता है। स्प्रिंकलर का जो स्टाइपेंड मेरे टाइम पे था वो 2 लाख रुपए था, अब शायद बढ़ भी गया हो तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो, और यार तुम अपनी फेवरेट कंपनी का नाम जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और उसके आगे ओपी लगा देना। ठीक है, इतना ही था आज वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।